दोस्तों इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाले नेशनल T20 कप का जो कि मैच खेला जाएगा, अब टाइम बदल चुका है। पहले सुबह मैच होता था, अब दोपहर को मैच होगा। ये मैच है खैबर वर्सेस नॉर्थन का मैच है और ये देखो विशेष तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन ये मैच ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इन्वेस्टमेंट के लिए। कोशिश करना कि कम अमाउंट इस मैच में इन्वेस्ट करें। लेकिन वीडियो प्रीव्यू इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बचे गए इस मैच के स्टार्ट होने। तो फाइट टीम के लिए फाइनल अपडेट्स के लिए डेली फ्री विनिंग टीम के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चाहिए उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर डेडलाइन से 15 मिनट पहले आपको फाइनल स्मॉल टीम शेयर कर दूँ, ग्रैंड टीम शेयर कर दूँगा डेडलाइन से 15 मिनट पहले। सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चाहिए ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आप उसके थ्रू कर सकते हो। दोनों लिंक 100% काम करते हैं। अगर आपको सर्च करना टेलीग्राम के सर्च वाले जाके एफ लेमन टीम अगर आप सर्च करोगे बिना स्पेस देखे तो एक चैनल देखने को मिलेगा, जहाँ पे करीब अभी के टाइम 42,400 से ज़्यादा। ध्यान रखें कि ऑफिशियल ज्वाइन करना 42,400 से ज़्यादा लोग है मेरे नाम से, बहुत सारे फेक चैनल से। लेकिन आपको ऑफिशियल ज्वाइन करना डेडलाइन से ऊपर, देखो 15 मिनट पहले फाइन टीम शेयर कर देता हूँ। ध्यान रखना ऑफिशियल ज्वाइन करना, लिंक के थ्रू लिंक 100% काम करता है। सर्च करने पर बहुत सारे फेक चैनल्स भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ये रहा देखो तो 21st मैच खेला जाएगा इस सीरीज का। मैच कवर करने मन नहीं था, बट तो बहुत सिचुएशन की वैसे क्या था, ये मैच मुल्तान में खेला जाएगा। टाइम बदल चुका है, 3:30 में मैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैच की बात करते हैं, सबसे पहले खैबर का जो कि लाइनअप होनी चाहिए, ओपन करेंगे टीम दस से मोहम्मद हरीस ओपन करेंगे, ईशान उल्लाह के साथ ओपन करेंगे टीम दस से, वन डाउन जो फायरन जो कि वन रन बैटिंग है टीम से, फायरन वन रन बैटिंग करेंगे। उसके लिए आदिल अमीन फोर्थ नाइन बैटिंग करेंगे टीम दस से, एक मैच बॉलिंग भी की थी टीम दस से, कमरान गुलम फिर नया बैटिंग प्लस 4 ओवर बॉलिंग भी पाएगी टीम दस से, 2 से 4 ओवर। खालिद उस्मान कैप्टनसी करे, पूरे 4 ओवर बॉलिंग पाएंगे। अरशाद इकबाल भी अवेलेबल है, इमरान खान अवेलेबल है उसके लिए टीम दस से। ये जो इमरान खान है वो 8 नंबर बैटिंग भी करेगा, और इमरान खान मतलब कि सीनियर है। उसके लिए महज खान अवेलेबल है, सर्वर भी अवेलेबल है टीम दस से, मोहम्मद सर्वर काफ़ी टैलेंटेड है। मोहम्मद इमरान भी अवेलेबल टीम से, ये जूनियर है। बेंच प्लेयर से बात, आसिफ अफरीदी बेंच पर रहेंगे, उसके लिए अब्बास अफरीदी बेंच पर रहेंगे, आमिर अजमत भी बेंच पर रहेंगे, मोहम्मद अमीर भी बेंच पर रहेंगे, ठीक है। और ईशान उल्ला ये है ना, ईशान उल्ला, ठीक है, ये इरशाल उल्ला है और ये ईशान उल्ला है, ये इरशाल उल्ला, ठीक है, इरशाल उल्ला है और ये ईशान उल्ला है, ठीक है। वो बेंच पे रहेगा, ईशान उल्ला बेंच पे रहेगा, इरशाल उल्ला खेलता ना जब आएगा। बात करते हैं नॉर्थ इंडियन की, जो कि होनी चाहिए उमर अमीन टीम से कैप्टनसी करे, टीम से ओपन करे, रोहित नाजिक के साथ ओपन करेंगे। उसके लिए मोहम्मद धुरियन जो कि वनडे बैटिंग है, सोहेल तनवीर, नासिर नवाज, उस्मान खान सनीवारे, अमीर जालम टीम में से अवेलेबल, जामल उसके टीम में से, मेरन मुताज, जामन खान, मुबासिर खान, जसन मलिक बेंच पे, अली इमरान, हसन नवाज बेंच पे रहने वाले। तो ये दोनों टीम्स का लाइनअप है। एंड हम बात करते हैं सीरीज के प्लेयर वाइज साइनिंग्स। देखो पहली बात तो मैं ज़्यादा कुछ शेयर क्यों नहीं किया, देखो पहली बात तो एक दिन में एक मैच कवर नहीं करती, मेरा डे ऑफ द डे का ना फोर्थ वीडियो, तो खुद से सोचो कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो स्टैट्स अगर निकालूंगा 3 घंटे बचे तो 2 घंटे स्टैट्स में लग जाएगा और फिर तो वीडियो मिल ही नहीं पाएगा आपको। तो वीडियो सबसे जो मेन पार्ट है प्लेयर वाइज साइनिंग्स, लेकिन मुझे कमेंट बताना कि वाला मैच कवर करे यार, वुमेन मैच है तो मैं तो मिस नहीं करना चाहता, बट आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आप लोग बोले हाँ तो मैं कवर करूँगा, और कोई अच्छे मैचेस वगैरह हो तो मुझे बताना कमेंट करके, और इस मैच को भी तो कवर शायद भी करूँगा ही, क्योंकि वुमेन मैचेस तो मैं मिस नहीं करता वैसे तो। बात करते ये मैच है ना, बात करें विकेट कीपर से चलेंगे, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा। चैनल सबसे पहले को ऑन के ऑल पर सेट कर दो, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले को नोटिफिकेशन मिलता है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। विकेट कीपर से सर मोहम्मद हरीस मेरे हिसाब से सबसे बेटर विकेट कीपर चॉइस होने चाहिए। रोहित नजर आउट ऑफ फॉर्म चले, बट मोहम्मद हरीस काफ़ी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है तो दोनों टैलेंटेड, बट मोहम्मद हरीस क्या है करंटली फॉर्म में चले, इन फॉर्म प्लेयर है, विकेट कीपिंग प्लस ओपन। उसके अलावा एज फैरन काफ़ी टैलेंटेड है, टीम से कवर कर लेते हैं। एन नवाज ओपन करता है, उमर अमीन भी टीम से टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे बैटिंग करें, बट इन हिसाब से वनडर बैटिंग कर सकते हैं। अफरीदी जो कि ठीक ठाक प्लेयर, टीम साफ इनके साथ जा सकते हो टीम उधर से, बट देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं करता, लेकिन ना मन नहीं करता मुझे इसको पिक करने का, बट पिक कर लेते हैं। एम सरवर अफरीदी अच्छा प्लेयर है, मैं उमर अमीन को ड्रॉप करूँ, क्योंकि ये अभी टीम थोड़ा सा नीचे बैटिंग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है वनडर बैटिंग करेगा जो कि हो भी सकता है तो कवर कर सकते हो, चलो कवर कर ही लेते। आदिल अमीन को तो मैं साइड ही रखना चाहूँगा, उसके अलावा चाहो तो एन नमाज को ड्रॉप कर सकते हो, ये उतना बड़ा प्लेयर नहीं है, तो एन नमाज को ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप करता हो चलो। इसके अलावा टीम से कमरान गुलाम इंपॉर्टेंट, टीम दस इंपॉर्टेंट नहीं है, मुबासिर खान है टीम दस से ना, बंदे ने टीम दस क्या किया था, 2 विकेट लेके गया था। मैं तो कवर नहीं करता बट कवर कर लेते। जामल सभी का CBC रहेगा ना, ये जामल भी को पिक कर लेते। खालिद उस्मान काफ़ी टैलेंटेड है बट ट्राई नहीं करे,
सोहेल तनवीर इंपॉर्टेंट, उस्मान खान सीनियर इंपॉर्टेंट, अरशद अली इंपॉर्टेंट, इमरान खान जूनियर और इमरान खान सीनियर। फिर से मेरे मतलब कि देखो कन्फ्यूजन होगा आपको, इमरान खान जूनियर का लक्ष्य साथ दे रहा है, बट अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सीनियर का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये बंदा इकोनॉमिकल चला जाता है और विकेट लेकर चला जाता है, और एक और दो बार भी बॉलिंग पाता है तो विकेट लेकर चला जाता है, और ये बंदा विकेट लेस चला जाता है। तो अगर आपको सेफ जाना है तो इमरान खान जूनियर के साथ जाओ, अगर आपको रिस्क लेना है तो इमरान खान सीनियर के साथ जाओ। नीचे कुछ खास है नहीं तो इमरान खान जूनियर के साथ हो। तो ओवरऑल टीम बच्चे आप लोग कुछ लोग एंड नवाज को नहीं पिक करें यार, वो तो टीस ओपन करेगा तो एंड नवाज उतना बड़ा टैलेंटेड हिटर नहीं है कि उनको पिक कर लूँ। ठीक है, जो टीम बनाए वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा है, काफ़ी परफेक्ट टीम एकदम से मुझे लगा है। सारा गेम सीबीसी का यार, ऐसे तो कोई भी टीम बनाए पूरा कैप्टन वाइस कैप्टन का टीम है। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बात करें तो ए जामल के साथ मैंने लास्ट जो वाइस कैप्टन किया था बंदे के साथ, बट ये फ्लॉप किया, मुझे पूरा अंदाजा था कि फ्लॉप जाएगा बंदा, अरे वही हुआ। तो मैं एज ए कैप्टन सोहेल तनवीर के साथ जाना चाहूँ जो इतनी बॉल से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में भी कैप्टन गया था तो मैं इनके साथ एज ए कैप्टन जाना चाहूँगा। वाइस कैप्टन एज अमल या फिर मुबासिर खान के साथ जाओ। मुबासिर खान क्या है कि आपको बैटिंग बैकअप भी आपको दे सकते हैं, मोहम्मद हरीस पे काफ़ी सही रहेंगे टीम इधर से। तो अपना वाइस कैप्टन एज अमल के साथ जा रहा हूँ। आप उसके अलावा सी बी सी को चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हैं या फिर कमरान गुलम को भी ट्राई करें। मैं देखो पहली बात तो सी बी सी मेरा 99% कन्फर्म नहीं है, सी बी सी मेरा 99% कन्फर्म नहीं है, मैं कन्फर्म करके टेन यहाँ पे आपको फाइन टीम दे दूँगा। तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है, अभी सिर्फ इसी टीम में जाकर कॉन्टेस्ट बुक कर लो, फाइन टीम टेन यहाँ पे शेयर कर दो डेडलाइंस पंद्रह मिनट पहले, तब इसी टीम से जाकर कॉन्टेस्ट को बुक कर दो। ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो ग्रैली वगैरह के जैसे एज फाइनल कैप्टन रोटेट कर लोगे, मोहम्मद हरीस को रोटेट कर लोगे, उमर अमीन को रोटेट कर लेना, कमरान गुलाम को रोटेट कर लेना, उस्मान खान सिनेवारी को ट्राई कर लेना अपना सी बी सी, ऐसे आप क्रैली टीम बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरे स्मॉल ही खेलूंगा, सेम टीम के साथ जा सकते हो। मैं कैप्टन और कैप्टन नहीं दिखाना चाहूँगा अभी के लिए, क्योंकि देखो अभी मेरा कन्फर्म नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं रिस्क टेकर हूँ, रिस्क लेके खेलूंगा। तो अपने टेलीग्राम पे करो तो फाइन टीम के लिए टेलीग्राम पैक रहना, चाहे पे डेडलाइन से 15 मिनट पहले फाइन टीम शेयर करूँगा, मिलता है टेलीग्राम पैक रहना। ठीक है, तो टेलीग्राम पैक रहना, कुछ से मैच स्टार्ट होता है टेलीग्राम पे आ जाओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दिया हूँ उसके थ्रू आ जाओ।